दक्षिण वन मंडल सागर जलाऊ चारागाह वृक्षारोपण कार्य योजना क्रियान्वयन 2019-2020 रकबा 25 हेक्टेयर पौधे रोपण 25,000 कार्य लागत 18 से 19 लाख रुपए वन परिक्षेत्र गढ़ा कोटा सागर जबलपुर रोड के बाजू से वन मंडल जलाऊ एवं चारागाह विकास वृक्षारोपण चनोवा बुजुर्ग में किया गया। इसमें पेड़ों की संख्या 25,000 पौधे लगाए गए, सभी जीवित हैं और कुछ पेड़ इसमें से नष्ट हो गए। जब हमने वरुण गौर जानकारी ली तो उन्होंने पेड़ों की प्रजातियों की भी जानकारी दी गई। इसमें पौधा रोपण किया गया जो इस प्रकार है, जामुन, सागौन, नीम आदि पेड़ लगाए गए। जब इसके कार्य की लागत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया इसकी लागत करीब 18 से 19 लाख रुपए का कार्य किया गया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गौर है, मैं यहाँ पर वन रक्षक पर कार्यरत हूँ। तो सर यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं कितनी संख्या है पेड़ों की और किस प्रजाति के पेड़ लगाए गए? यहाँ पर ये 25 हेक्टेयर का प्लांटेशन है और यहाँ पर कुल 25,000 पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें सागौन है, करंज है, नीम है, आंवला है, जामुन है और चिरौल कई असली प्रजातियाँ रोपित की गई हैं। तो इसकी सर कार्य लागत कितनी है? सर कार्य लागत इसकी अभी तक लगभग 18-19 लाख है, मुझे एग्जैक्ट अभी नोटबुक से देखना पड़ेगा बट लगभग इतनी है। क्या सर सभी पेड़ जीवित हैं अभी? हाँ अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, करीब 15 दिन से, तो कुछ पौधे 100-150 पौधे मृत हैं, बाकी सभी पौधे जीवित हैं अभी। और अगर जैसे कोई बारिश नहीं होती है तो फिर पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर ये पानी की तो यहाँ पर प्रकृति पर ही निर्भर है, तो पानी की व्यवस्था नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये बारिश पर निर्भर है।